स्टूडेंट्स वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास वंस अगेन। स्टूडेंट्स आज हम गिल्लू पाठ के अंतिम अंश पढ़ेंगे और ऑफ यू ओपन योर संचयन पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 5। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे सब मेरी धारी में गाने की हिम्मत हुई है, ऐसे मुझे स्मरण नहीं आता। महादेवी वर्मा के पास अनेक पशु पक्षी है। पशु पक्षी मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। उनमें से महादेवी वर्मा को कोई पहला स्थान किसको दिया है? अपनी गिलहरी को, गिल्लू गिलहरी को दिया था। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ये गाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पर करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में पलट जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे दाली के पास बैठना सिखाया। जहां बैठकर वो मेरी दाली में से एक एक चावल उड़ाकर बड़ी सफाई से गाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य मीन्स भोजन। काजू मीन्स कैशू नट्स। काजू किसका प्रिय खाद्य था? गिलहरी गिल्लू का प्रिय खाद्य था, प्रिय भोजन था। और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य गाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था, झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में मींस एक्सीडेंट आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले मींस केज जा पड़ता। घोंसले नेस्ट सब उसे गाजू दे आते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें गाजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता दादी की वो उन दिनों अपना प्रिय गाने कितना कम गाता रहा। मेरी अस्वस्थता मीन्स बीमारी, मेरी अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंचों से मेरे सिर और बालों को इतना हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका सेविका सर्वेंट। नेक्स्ट पेज। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वदा नया उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास लगी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और डेक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष अधिक नहीं होती है, उनकी जीवित का लाइफ ओनली 2 ईयर्स। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ गाया ना बाहर गया। रात के अंत की यातना में भी वो अपने चूल्हे से उधर कर मेरे बिस्तर पर आया, बिस्तर बेड, और डंडे पंचों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंचे इतने डंडे हो रहा थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया। सोनजुशी की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासन दी दिन चूहे के पीदांब चोटे फूल में गिर जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। स्टूडेंट्स लिसन, इसमें गिलहरी को स्वच्छंद विहार के बारे में वर्णन किया गया है। गिल्लू के जीवन में पहला वसंत आया। कुछ गिलहरिया गिटकी की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगे। कुछ गिलहरिया गिटकी के समीप आकर चिक चिक करने लगी, आवाज करने लगी। गिल्लू भी प्यास से बाहर झांकने लगा। महादेवी ने उसकी जाली के एक कोना खोलकर उसे जाने का मार्ग दे दिया। गिलहरी को बाहर जाने के लिए संतोष प्रकट किया, इसलिए महादेवी वर्मा उसकी कोना खोलकर बाहर जाने का मार्ग दे दिया। उसने मुक्ति की जांच ली। महादेवी जब भी अपना कमरा खोलकर अंदर आती थी, गिल्लू उसके सिर से पांव तक दौड़ लगने लगते ही उसका रोष का क्रम बन गया। अब गिल्लू अपने साथियों के बीच जाकर उनको नेता बन गया, अपने साथियों के अन्य गिलहरियों के साथ
घेरकर उसके नेदा बन गया, गिल्लू गिल्लू उसके उन गिलहरी के नेदा बन गया। वो दिन भर पेड़ों की डालों पर उजलता गूंजता रहता। दिन भर मीन्स रोज, दिन भर सोनचुखी नामक पेड़ की पेड़ में चढ़कर उचलता घूमता रहता था। देन ठीक 4 बजे वो वापस अपनी झाड़ी में आ जाता था। ठीक 4 बजे अपने घोंसले में वापस आता था। उसमें लेखिका को चौंकाने की इच्छा जाग गई थी, इसलिए वो कभी फूलदान में छिप जाता था तो कभी पर्दे की चुन्नट में। भोजन का साथी, भोजन का साथी, महादेवी वर्मा की भोजन का साथी। महादेवी वर्मा के घर में अनेक पशु पक्षी थे। लेखिका के घर में अनेक पशु पक्षियां, एनिमल एंड बर्ड्स। सभी का लेखिका से लगाव भी था, किंतु गिल्ली को छोड़कर और कोई महादेवी की थाली में खाना नहीं खा सकता। परंतु महादेवी वर्मा गिल्ली को पहले स्थान उनमें पहले स्थान गिल्लू को दिया। पहले वो दाली में ही आ बैठता था। महादेवी ने उसे दाली के पास बैठना सिखाया। वो बड़ी सफाई से एक एक चावल उड़ाकर गाता और काजू कुदरता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य थे। काजू कैश्यू नट्स गिल्लू का प्रिय भोजन था। यदि उसे काजू ना मिलता तो वो अन्य खाद्य पदार्थ भी नहीं गाता था। संवेदनशील प्राणी। देन एक बार मोटर दुर्घटना के समय एक्सीडेंट में महादेवी को अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों गिल्लू ने अपने प्रिय गादी काजू भी नहीं दिया। सास्ता देखकर गिल्लू के मन में बहुत दुख हुआ। महादेवी वर्मा के प्रति गिल्लू के मन में बहुत दुख प्रभाव पड़ा। अपना प्रिय गादी काजू भी नहीं दिए। अपने प्रिय गाद्य गिल्लू के प्रिय गाद्य क्या है? काजू। उस काजू भी नहीं गाया, गिल्लू नहीं गाया। उसे दिए गए सारे काजू उसकी जानी में पड़े हुए मिले। जब महादेवी अस्वस्थ होकर घर रही तो वो महादेवी के सिरहाने बैठकर अपने नन्ही नन्हे पंचों से उसके सिर और बालों को सहलाता था, मानो वो कोई परिचारिका हो। परिचारिका मीन सेविका लाइक सर्वेंट। गिल्लू अपनी लेखिका को महादेवी वर्मा को परिचारिका के समान बहुत शुश्रूषा हो गई थी। गर्मियों में वो सुराखी से चिपकर महादेवी के पास बना रहता था। गिल्लू की मृत्यु। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष लंबा होता है। गिलहरियों को जीवन हाउ मेनी इयर्स उनके जीवन 2 वर्ष हुई थी। अंतिम रात आने पर गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया। रात को वो अपनी झूले से उतर कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया। रात के समय वो घोंसले से बाहर निकल कर अपनी महादेवी लेखिका के साथ बिस्तर पर ले गया। उसने महादेवी का वो उंगली पकड़ ली जिसने बचपन में उसे बजाया था। उसके पंजे डंडे हुए जा रहे थे। महादेवी ने गर्मी देने के लिए हीटर जलाया। महादेवी वर्मा ने उसके पंजे गिल्लू के पंजे बहुत डंडे हो गया। उसके बजाने के लिए महादेवी वर्मा गर्मी देने के लिए हीटर जलाया, परंतु सुबह होने पर वो प्राण छोड़ चुका था। फिर सुबह बिकॉज गिलहरी को जीवन केवल 2 वर्ष के थी, इसलिए सुबह होने पर भी उनका प्राण छोड़ चुका था। अब गिल्लू का झूला उतार दिया गया, परंतु गिट्टी की जाली पर अब भी कुछ गिलहरियां आती थी। अब गिल्लू नहीं है, गिल्लू मर गया, फिर भी गिट्टी की जाली पर अब भी गिलहरियां अन्य गिलहरियां आती है। वे ना जाने क्या चिक चिक करते थे। वे न जाने से दे कुछ जाने से अन्य गिलहरियां चिक चिक शब्द करने लगी। सोनचुखी की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई है। कहां गिलहरी की समाधि बना दी गई है? सोनचुखी नामक पेड़ों के नीचे उनकी समाधि दी गई है।
यही लता गिल्ली को बहुत पसंद थी, बिकॉज यही लता दैट वृक्ष सोनजुही नामक वृक्ष गिल्ली को बहुत अधिक पसंद थी, उसे इसलिए महादेवी वर्मा को पेड़ को देखकर, सोनजुही नामक पेड़ को देखकर किसको याद करे, अपनी प्रिय गिलहरी गिल्लू को याद करे। स्टूडेंट्स लिसन, मैं मिल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, ऑल ऑफ यू लिसन। Good days arise in Gillu's life. Some little squirrels comes to near. Kuch gilheriya comes to near. Gidkiya, gidkiya means windows, Gillu's cage, and make some noise like chick chick. After seeing this, Mahadevi Varma opened window for Gillu. Mahadevi Varma ko samajh gaya ki गिल्लू को भी बाहर जाने की पसंद करती थी, इसलिए महादेवी वर्मा क्या किया, महादेवी वर्मा ओपन विंडो फॉर गिल्लू। आफ्टर दैट डेली गिल्लू गो आउटसाइड थ्रू दैट विंडो एंड ही प्लेस विद दैट लिटिल स्टूल। आफ्टर दैट डेली गिल्लू गो आउटसाइड थ्रू दैट विंडो एंड ही प्लेस विद दैट लिटिल स्टूल। Slowly he became of leader of that students. Slowly he became of leader among them. In Narete's house there have so many birds and animals. Pashupakshiyam, birds and animals. But she loves more Gillu. When she takes food, Gillu always near to her. When she means Mahadevi Varma, when she takes food, Gillu always near to her. That time Mahadevi Varma gave cashew nuts to Gillu, because cashew nuts iske bhojan iske priya ghadya hai. Ghadya means bhojan hai, food. One day Mahadevi Varma met with an accident and she hospitalized. Mahadevi Varma hospitalized. On that time, Gillu became very sad. And refuses his favorite food, cashew nut. Cashew nut is a favorite food. That also, student Gillu refused. Became very sad and refuses his favorite food, cashew nut. After she returned to home from hospital, after Mahadevi Varma returned, Vapasana returned to home, from hospital, Gillu take care of Mahadevi Varma like a servant. Gillu take care of Mahadevi Varma like Parijarika servant. The lifetime of squirrel, how many years? Only up to 2 years. Last days of Gillu, he refused all his food and became very tired. Last days, squirrel Gillu refused his food and became very tired. Mahadevi Varma tries to protect him. That squirrel, Gillu. But she can't save Gillu. Next day morning, he died. Gillu died. After Gillu's death also, squirrels comes near Gillu's nest and make some noise. After Gillu's death, Gillu's friends Satyo comes near to Gillu's nest and make some noise, chick chick noise. Gillu's funeral was under, funeral means samadhi, under Sonjuhi tree. That's why Gillu ko Sonjuhi namak tree ped ke paudhe ka bahut पसंद करते थे। दैट्स वाई महादेवी वर्मा लव्स सोनजुही ट्री। दी गिलूस चैप्टर एंड्स हियर। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। सोनजुही, जुही नामक फूल का एक प्रकार जो पीला होता है, पीला मीन्स येलो कलर। लघुप्राण छोटा जीव। कागबुशुडे कौवा। मयूर मोर। कर्कश कडू। स्वर्णिम सोने के रंग का। कागध्वज दो कौवे। डेलिया टोकरी। मनका धाना
लघुघात नन्ना शरीर मुक्त आसाद आहत घायल परिचारिका सेविका अस्वस्थता बीमारी समाधि दर्दी के नीचे शरीर को दफनाना। स्टूडेंट्स, इस कहानी से महादेवी वर्मा के गिल्लू नामक कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है? लेगिका को महादेवी वर्मा को गिल्लू के प्रति अधीव स्नेह भाव था, गिल्लू को महादेवी वर्मा के प्रति अधीव प्रेम भाव प्रकट करती थी। अंतिम समय तक वो परस्पर प्रेम करते थे। इस पाठ से, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलती है कि हमें अपने आसपास के पशु पक्षियों के प्रति स्नेह भाव प्रकट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू स्टडी इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल। धन्यवाद। नोट्स एंड टेस्ट पेपर अटैच्ड विद दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू स्टडी वेरी वेल। धन्यवाद।